आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है न्यूमेरिकल ऑन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पिछली क्लास में हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का थ्योरेटिकल पार्ट, फॉर्मूला, अरे डायग्राम समझा था। आज उसका एप्लीकेशन देखेंगे हम, न्यूमेरिकल करेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ, पहले इसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विथ एन ऑब्जेक्टिव 1.0 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। तो यहाँ पे एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसका ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ दिया है, यानी आपको क्या दिया है, आपको दिया है FO एंड FO इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। इसके बाद एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, आई पीस दिया है उसका फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, यानी FE हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। हैज ट्यूब लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये ट्यूब लेंथ 20 सेंटीमीटर इसका मतलब क्या है, L ट्यूब लेंथ का मतलब क्या होता है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द आई पीस लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे ट्यूब लेंथ कहते हैं, उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। तो देखिए दो केसेस होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, या तो फाइनल इमेज बनता है नियर पॉइंट पे या बनता है इन्फिनिटी में। तो जब नियर पॉइंट पे बनता है तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है मैग्नीफिकेशन MO into ME, ये होता है एक फॉर्मूला तो ये है, लेकिन हमें ना तो MO पता है ना ME पता है अभी, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। मैग्नीफिकेशन का जो दूसरा फॉर्मूला है वो है V नॉट अपॉन U नॉट अपॉन 1 प्लस D अपॉन FE, एक ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें D, देखिए D तो फिक्स है, D की वैल्यू D है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर, बट VO और UO यानी ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लेंथ से हमको नहीं पता है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इसका जो एक और फॉर्मूला है, ये तो दूसरा फॉर्मूला हो गया, इसका एक और फॉर्मूला है दैट M इज इक्वल टू L अपॉन FO 1 प्लस D अपॉन FE, ठीक है। ये जो तीसरा फॉर्मूला है ना, हम ये वाला इसमें यूज़ करेंगे, इसमें ट्यूब लेंथ L पता है, FO पता है, FE पता है, D पता है, सब वैल्यू पता है, बस वैल्यू पुट करना है आपको और आंसर आ जाएगा। तो कितना है, M इज इक्वल टू L दिया है 20, FO 1 है, 1 प्लस D हो गया 25 सेंटीमीटर एंड FE इज गिवन 2, ठीक है। तो सिंपली ये कितना हो गया 20 और ये हो गया 12.5 प्लस 1, ये हो गया 13.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली ये कितना हो जाएगा 2 5 10, 2 6, 2 3 6 एंड 2 1 2, तो 270। तो फाइनल जो मैग्नीफिकेशन है इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितना आ रहा है 270। तो 270 का मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका साइज कितने टाइम्स एनहांस हो जाएगा, 270 टाइम्स उसका एनहांस हो जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन है 270, ठीक है। तो चलिए ये था पहला क्वेश्चन, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, यू आर गिवन टू कन्वर्जिंग लेंसेस ऑफ फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर टू डिजाइन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यानी आपको दो लेंस दिया है और आपको बोला गया है इस लेंस को यूज करके आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिजाइन करना। तो दो, देखिए दो लेंस है, एक का फोकल लेंथ है 1.25 और एक का फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो जो कम फोकल लेंथ है, कम फोकल लेंथ किसका होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस का होता है। तो याद रखना ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कम होता है, तो इसलिए एफ नॉट हो गया 1.25 सेंटीमीटर और आई पीस का फोकल लेंथ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, आई पीस का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद इट इज़ डिजायर्ड टू हैव अ मैग्नीफिकेशन ऑफ 30, यानी हमें इस तरीके से डिज़ाइन करना है माइक्रोस्कोप कि उसका मैग्नीफिकेशन 30 होना चाहिए। तो यानी हमको मैग्नीफिकेशन दिया, ये होना चाहिए 30, ठीक है। उसके बाद बोला फाइंड आउट द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के बीच कितना डिस्टेंस होगा ये हमें पता करना है। तो यानी आपको एल निकालना है, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस के बीच का जो डिस्टेंस है वही होता है एल। तो हमको एफओ एफई दिया है, एम दिया है, आपको एल निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, एल अपॉन एफओ
वन प्लस डी अपॉन एफ ई, ये जो है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। सारी वैल्यूज देखिए क्या क्या दी है, एम जो है 30 रख लिया, एल जो है ये आपको निकालना है, एफ नॉट दिया है 1.25, वन प्लस डी क्या होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये कांस्टेंट होता है फिक्स है इसकी वैल्यू, फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 25 सेंटीमीटर है तो ये डायरेक्ट आप 25 ले लेंगे, एफ ही दिया है 5, ठीक है। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है तो ये 30 into 1.25 इज इक्वल टू एल, ये कितना हो गया 5 + 1 = 6, तो एल इज इक्वल टू 30 into 1.25 डिवाइडेड बाय 6, 30 से कट गया, 5 into 1.25 हो जाएगा 6.25 सेंटीमीटर। तो जो एल है डिस्टेंस बिटवीन आईपीस एंड द फोकल ऑब्जेक्टिव लेंस विल बी 6.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज मेड यूजिंग अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 mm एज ऑब्जेक्टिव। देखिए एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना है, इसमें ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया है 10 mm, यहां देखिए mm में दिया, यूनिट पे ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, अनादर लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 mm एज आईपीस लेंस, यानी आईपीस का फोकल लेंथ दिया है 15 mm, ये भी mm में दिया है। अब इसके बाद क्या बोलते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड एट 1.1 cm फ्रॉम दी ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस से 1.1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एक रफ रे डायग्राम आप बना लो जिससे क्या आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो ये देखिए एक रफ रे डायग्राम हम बना रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव लेंस, इसके सामने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, कितने डिस्टेंस पे रखा है 1.1, तो इसको यू नॉट कहेंगे हम, ऑब्जेक्ट से इसका डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव से इसका डिस्टेंस है 1.1 सेंटीमीटर, को हम 1 mm भी कह सकते हैं क्योंकि सब चीज mm में दिया है तो हम इसको भी mm में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1.1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये यू नॉट कहलाएगा, और ये जो है ये 1.1 सेंटीमीटर है उसको हमने लिख दिया 1.1 mm, ठीक है। ये जो है ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला है, एंड दी फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, यानी ये वो वाला केस है जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बन रही है। तो इसका मतलब है इसका इन्वर्टेड इमेज यहाँ बनेगा, और ये मान लो यहाँ पे इसका जो है ये आई पीस है, ठीक है, दिस इज आई पीस लेंस, तो इसका इन्वर्टेड इमेज ये बना, ठीक है, इस तरीके से कुछ होगा, ऐसे आके यहाँ इमेज बनेगा, और यहाँ पे ये जो पोजीशन है ये कौन सी पोजीशन होगी, जब इमेज इन्फिनिटी में बनेगा तो ये वाला पॉइंट होगा एफ ई, यानी इसके फोकल लेंथ पे ही बनेगा, ठीक है। तो एफ ई दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 15 mm, आपको एफ ई दिया है, निकालना क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए हमको ये तो दिया है 15 सेंटीमीटर एफ ई का यहां से यहां तक, यदि आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लो तो इन दोनों डिस्टेंस को जोड़ के हम ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वी नॉट, ठीक है। वी नॉट का मतलब है ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज का डिस्टेंस, ठीक है, और ये U नॉट है ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब हमें देखिए ये U नॉट तो दिया है, हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए और V नॉट निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो 1/F0 इज इक्वल टू 1/V0 माइनस 1/U0। 1/F0, F0 की वैल्यू दी है 10 mm, फिर 1/V0 निकालना है, फिर 1/U, देखिए U है 11, और क्योंकि ये इस तरफ है तो ये माइनस 11 होगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 1/V0 इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/11, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो 1/V0 इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम से 110 एलसीएम हो गया, ऊपर 1 आ गया, तो V नॉट की वैल्यू आ गई 110 mm, V नॉट आ रहा है 110 mm, ठीक है। तो ट्यूब लेंथ यानी ऑब्जेक्टिव और आईपीस की लेंथ जो होगी वो ट्यूब लेंथ है, और उसको हम एल बोलेंगे, और वो कितना होगा, वो होगा वी नॉट प्लस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है एफ ई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एफ ई का जो आपको केवल मैग्नीट्यूड लेना है क्योंकि हमें टोटल लेंथ पता करना है ना यहाँ से यहाँ,
तो आप माइनस नहीं लेंगे, हालांकि एफ ई की वैल्यू जो डिस्टेंस है यहाँ से माइनस में आता है, बट हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। वी ओ तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 110 है, एफ ई कितना हो गया, एफ ई हो गया 15, आप दोनों को जोड़ देंगे तो फाइनल लेंथ आ जाएगी, तो ये आ रहा है 125 mm। तो mm में निकालेंगे ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का डिस्टेंस 125 mm, इसको सेंटीमीटर में अगर आप कन्वर्ट कर दोगे तो सिंपली 12.5 cm हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका फाइनल आंसर। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया कि माइक्रो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जो न्यूमेरिकल आते हैं उसको किस तरीके से डील करना है। तो इसके ये कुछ क्वेश्चन थे, कुछ सिंपल एग्जांपल थे, आप और क्वेश्चन ट्राई कीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।